हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 11 अगस्त 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और एप्लीकेशन से आप करंट अफेयर के डेली फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की, और आज भी वही थॉट दोहराऊंगा जो पिछले 2 दिनों से दोहरा रहा हूँ कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के केवल 2 नियम। पहला नियम, शुरू करो। दूसरा नियम, खत्म करो। बीच में मत छोड़ो। जहां आपने बीच में छोड़ा और नई चीज को ट्राई किया तो आप करते क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप उसको भी बीच में छोड़ देंगे, फिर तीसरी को, चौथी को, और ऐसा मालूम पड़ा पूरी जिंदगी निकाल दी चीजों को स्विच करते स्विच करते स्विच करते, और आपकी जिंदगी निकल गई। आप भी किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाए। तो जो काम हाथ में लिया है उसे आप पूरा करें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम पिछले पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के क्विक रिविजन की। पहला प्रश्न कि जम्मू कश्मीर किस दिनांक से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाएगा, और ये दिनांक होगी 31 अक्टूबर। वहीं दूसरा प्रश्न है कि देश में जल संरक्षण के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया है, और यह समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। वहीं तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में रुपए कार्ड लॉन्च करेंगे, तो ये लॉन्च किया जाएगा भूटान के अंदर, जहां प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के बाद में जाने वाले हैं। चौथा प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है, तो ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुनी गई है हेल्लारू, जो कि गुजराती भाषा की है। अब कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में तो आंधाधुन को चुना गया है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आंधाधुन को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में चुना गया है, और मैं बात कर रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की। याद रखिएगा, मतलब सर फिल्मों में, ऐसे तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म, उर्दू फिल्म, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को चूज़ किया गया, लेकिन फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ हेल्लारो चुनी गई है। आगे बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। छठवां प्रश्न है कि किसके द्वारा विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत की गई और स्थापना की गई है, और ये की गई है इसरो के द्वारा। वहीं सातवां प्रश्न है कि फिल्म निर्माण के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है उत्तराखंड राज्य को। और आठवां प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत की ट्रांससेक्सुअल महिला ने जीता है, तो ये भारत की महिलाएं का नाम है नाद जोशी, और तीसरी बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। वहीं नवा प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं उनको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में परिवर्तित करने की तकनीक का विकास किया गया है, ये विकास किया गया है मैक्सिको के द्वारा। और दसवां प्रश्न है कि किसके द्वारा भारतीय तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया गया है, ये है विश्व तीरंदाजी यानी कि वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा। तो ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की, और आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, काफ़ी मेहनत के द्वारा हम आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आता है, पसंद नहीं आता डिसलाइक करें, और जितने लोग लाइक करते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इसको शेयर करें। आपका शेयर हमें मोटिवेट करेगा, जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने इस मामले में हमारी एकमात्र सहायता आप कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ये किसके द्वारा पारित किया गया है, तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ये अब फाइनली राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पारित कर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइट, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए और इससे क्या क्या चेंज होने वाला वो देख लीजिए, और आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा। तो राष्ट्रपति जी ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 इसको मंजूरी दे दी है, और इसके द्वारा ये विधेयक जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंदर संशोधन करता है। राइट, अब इसमें क्या हुआ होगा कि कानून के जो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन हैं, जैसे ओवर स्पीड, ज़्यादा स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, शराब के प्रभाव में ड्राइविंग कर रहे हैं, छोटे अपराध जैसे हेलमेट नहीं पहना है, ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, तो इनके लिए भी अब कठोर दंड का प्रस्ताव इसमें किया गया है। पहले क्योंकि ये 1988 का अधिनियम था, 1988 के हिसाब से अब टैक्स लगाए जाते थे, पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब 2019 के हिसाब से वसूले जाएंगे, तो सोच लीजिएगा कितना बढ़ गया होगा। राइट, तो इसमें 2000-3000 रुपए, जो छोटे छोटे जैसे आपके पास हेलमेट नहीं है तो उतने रुपए तक का भी फाइन लग सकता है। अगली बार से जब निकलें तो इन सब चीज़ों को लेकर निकलिएगा। आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जहाज तर्कस, इसने वेस्टर्न फ्लीट ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में भाग लेने के लिए कहाँ गया हुआ है, कहाँ रवाना हुआ है, और ये पहुँचा है नॉर्वे, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की नौसेना है, भारत की नौसेना का जहाज है तर्कस, ये वेस्टर्न फ्लीट ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ये जो है इसमें हिस्से लेने के लिए 3 दिवस की यात्रा के लिए 9 अगस्त को बर्गन कहाँ है, नॉर्वे के बंदरगाह पर पहुंच गया, वहां पर प्रवेश किया, और भारतीय जो नौसेना है उसके पश्चिमी बेड़े का ये हिस्सा है। राइट,
इसमें फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के ऑपरेशन कमांड के अधीन ये पूरा होगा। नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं, ये नॉर्वे का झंडा है, नॉर्वे मैप में भी आपको दिखाई चुका हूँ, नॉर्वे यहाँ पर है। नॉर्वे किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, राजधानी ओस्लो है, प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है और यहाँ की मुद्रा नॉर्वेजियाई क्रोन है, राइट। यहाँ पर सरकार क्या है? संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजशाही के अधीन आता है और संसद का नाम स्टॉर्टिंग है, याद रखिएगा। चलिए मैप में मैं आपको नॉर्वे ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको नॉर्वे जाना है तो मूव कीजिए पश्चिम में और पश्चिम में पहुंचेंगे यूरोप, राइट। ये आपको दिखाई दे रहा है यूरोप। यूरोप में ये जो ब्लू कलर का नीले कलर का आपको देश दिखाई दे रहा है स्वीडन के पास में, ये है एक्चुअल में नॉर्वे, राइट। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स रेंजेस इस देश के अंदर है और ये इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किन देशों को कहा जाता है, आसपास कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो इसकी राजधानी देख लीजिए, ओस्लो इसकी राजधानी है। इधर देखेंगे तो इसकी सीमा जो है स्वीडन के साथ लगती है, यहाँ इसकी सीमा फिनलैंड के साथ में लगती है और इधर इसकी सीमा रशिया के साथ में लग जाती है, राइट। और इधर क्या है? तो इधर जो है नॉर्वेनियन सी है, ये देख रहे हैं इधर, ये नॉर्वेनियन सी है और ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये जो मनाया जाता है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अगस्त। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस और ये जो है दिन, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन होता है, जो पेट्रोलियम होता है, गैसेस वगैरह होती हैं, तो इसके विकल्प के तौर पर जो गैर जीवाश्म ईंधन होता है उसके महत्व क्या है, उसके बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, राइट। और इस वर्ष जो है जैव ईंधन दिवस का जो विषय है, इस्तेमाल के लिए खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्पादन, यानी कि जो हमारा ईडेबल ऑयल होता है, जो आप खाने वनस्पति ऑयल होता है, उससे हम जैव ईंधन का किस प्रकार से बना सकते हैं, उसी पर इस बार का ये विषय रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम चौथे प्रश्न की कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन ईवी ये कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये मानेसर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। मानेसर यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानेसर कहाँ है? हरियाणा में। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT, इसका जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किया गया और इस कॉन्क्लेव के अंदर ऑटोमोटिव क्षेत्र के अंदर सभी स्तरों पर सूचना का जो प्रवाह है उसको सुनिश्चित किया जाए, ज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उसको साझा किया जाए, तो उन सब के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ICAT की बात करें तो इसके द्वारा इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में नए ट्रेंड और चुनौतियों पर फोकस करने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर इसका आयोजन किया गया, तो देख लीजिए हरियाणा है, ऊपर देखेंगे पंजाब है, इधर देखेंगे हिमाचल है, इधर देखेंगे तो आप उत्तराखंड है और यहां पर देखेंगे दिल्ली है, नीचे जो है राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है और यहां पर छोटी सी दिल्ली है, राइट। अब इसकी राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बीजेपी के हैं ये। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। राजकीय पशु कृष्णमृग, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल कमल है। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीट हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो कि पाँचवा प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये चलेगी कोलकाता में, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन यानी पानी के नीचे चलने वाली ट्रेन, ये कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चालू होगी। हुगली नदी में इसको चलाया जाएगा, याद रखिएगा। और नदी के नीचे इसमें क्या किया गया है? मेट्रो सुरंगों का निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2017 में, राइट। अब ये सुरंगें 500 मीटर लंबी और लगभग 30 मीटर गहरी बनाई गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होने वाला है छठवां कि भारत सरकार NLFT और किस प्रदेश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो ये NLFT क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भारत सरकार त्रिपुरा और NLFT के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार त्रिपुरा और साबिर कुमार देववर्मा, ये कौन है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। लिबरेशन फ्रंट से ही समझ पाते होंगे कि ये त्रिपुरा को अलग करने के मुहिम के एक तंत्र था, एक संगठन था, राइट। इसके लिए 10 अगस्त 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये
एनएलएफटी क्या था? तो 1997 से में जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है उसके तहत इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और ये संगठन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पार करके शिविरों में हिंसा फैलाता है और इसी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है ताकि जो त्रिपुरा है उसको अलग किया जा सके, राइट। अब एनएलएफटी ने क्या किया है, हिंसा के मार्ग को छोड़ने के लिए और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, भारत के संविधान का पालन करने के लिए सहमत हो गया है और उसी को लेकर ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा देख लीजिए तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको ये याद रखना है त्रिपुरा के बारे में। इसकी राजधानी क्या है, तो अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, हाल ही में बनाए गए हैं रमेश बैस भी राज्यपाल। राजकीय पशु चश्मिश बंदर इसको कहा जाता है, राजकीय पक्षी शाही कबूतर, राजकीय वृक्ष आगर है, राजकीय फूल नाग केसर है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 7वें प्रश्न की कि वैलेंटिना को किस राज्य की ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये कहानी सुन ली होगी वैलेंटिना की, नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनको बनाया गया है मणिपुर की क्या ग्रीन एम्बेसडर, ये छोटी सी बच्ची है। क्या कहानी है इनकी, एक्चुअल में क्या हुआ था, इनके लगाए गए 2-3 पेड़ थे और रोड में वो पेड़ आए थे तो इसके कारण उनको काट दिया गया। जैसे ही स्कूल से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके पेड़ लगाए हुए पेड़ काट दिए गए हैं, तो उसी को देख के रोने लगी और उसका वीडियो वायरल हो गया। उसी के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री ने इनको ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। डिटेल लिख लीजिए, तो मणिपुर की 9 साल की लड़की है वैलेंटिना इलांगबांग करके जगह है वहाँ पर, वैलेंटिना इलांगबांग, इनको जो है मुख्यमंत्री ने ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। छोटे बच्चे का जो वायरल वीडियो हुआ था इसके बारे में आपको बताया था, 2 पेड़ों के काटने के बाद रोते हुए इसमें जो है दिखाया गया था। अब ये क्या करेंगे, सरकारी जो प्रायोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल होंगी और विश्व पर्यावरण दिवस और वन महोत्सव में भी ये शामिल होंगी सरकार की तरफ से। आगे बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर कहां पर, ये देख लीजिए, ये मणिपुर है। इधर इसकी सीमा किसके साथ लगती है, इधर म्यांमार आ जाता है, म्यांमार के साथ में इसकी सीमा लगती है, राइट। ये कौन है, इस तरफ देखेंगे ये असम है, ऊपर नागालैंड है और नीचे मिजोरम है। राजधानी क्या है, इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, बीजेपी की यहां पर भी सरकार है। राज्यपाल कौन है, तो पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, पीबी आचार्य के नाम से जाना जाता है। राजकीय पशु याद रखिएगा संगाई, ये संगाई यहाँ की एक तैरती हुई झील है, लोकटक झील, लोकटक झील में पाया जाता है और एकमात्र जगह है जहां पर ये संगाई हिरण की प्रजाति है ये पाई जाती है पूरे विश्व में। राजकीय पक्षी क्या है, तो नोंगिन है। राजकीय वृक्ष महोगनी है। राजकीय फूल सिरोही लिली है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर भी 60 सीट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 8वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में वृक्षारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो वृक्षारोपण का विश्व रिकॉर्ड ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो हुआ क्या है वहां पर, तो उत्तर प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई उसके अवसर पर वृहद वृक्षारोपण अभियान वृक्षासन महाकुंभ इसका आयोजन किया गया और इसने 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए जिनको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इस पहल के तहत 12.2 लाख स्थानों पर 22 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। प्रयागराज जिले में पौधे के निःशुल्क वितरण का भी एक रिकॉर्ड बनाया गया जिसको गिनीज बुक द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि दुनिया में पौधे के सबसे बड़े वितरण के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा पौधों का वितरण भी यहीं पर हुआ। तो ये कुछ रिकॉर्ड है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देख लीजिए ये है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऊपर देखेंगे इसकी सीमा नेपाल के साथ में, इधर बिहार के साथ में, नीचे मध्य प्रदेश के साथ में, इधर राजस्थान के साथ में, यहाँ हरियाणा के साथ में, यहाँ पर देखेंगे दिल्ली के साथ में और ऊपर जो है उत्तराखंड के साथ में इसकी सीमा लगती है। राजधानी इसकी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं, हाल ही में बनाई गई हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय फूल पलास है। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 403 सीट हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 9वें प्रश्न की कि एडीबी और किस राज्य में ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए $200 मिलियन प्रदान किया जाएगा एडीबी के द्वारा, तो ये प्रदान किया जाएगा महाराष्ट्र में, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ये क्या करेगा, महाराष्ट्र के 34 जिलों में सड़क की जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा, इसको मंजूरी दी गई है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार हैं उन बाजारों और सेवाओं से उन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनको सभी मौसमों के लिए अनुकूल बनाना जिससे राज्य के स्थानीय निवासी जो हैं
उनका जो आर्थिक केंद्रों के बीच में संपर्क बढ़ सके, वो शहर में जाकर कनेक्टिविटी उनको मिल जाए। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र देख लीजिए कहाँ पर, ये महाराष्ट्र है, ऊपर इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में, इधर गुजरात के साथ में, नीचे गोवा के साथ में, इधर कर्नाटक के साथ में, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी सीमा जो है तेलंगाना के साथ में और ये छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है। राजधानी क्या है, मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव या चौधरी विद्यासागर राव है। राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं और राजकीय वृक्ष यहाँ का आम है। राजकीय फूल गर्व है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, लेजर स्ट्रोमिया स्पेसीसा, राइट, ये इसका नाम है। और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 228 सीट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 10वें प्रश्न की कि कौन से खेल संगठन को के द्वारा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में आने के लिए सहमत हो गया है, तो ये खेल संगठन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसके दायरे में आने के लिए सहमत हो गया है। और इस निर्णय के बाद क्या हो जाएगा, जो क्रिकेट है उसके प्रबंधक निकाय जो है बीसीसीआई, उसको सरकारी मानदंडों के जो खेल महासंघ है उसके रूप में इसको एक बनाया जाएगा और इसके फलस्वरूप जितने भी क्रिकेटर हैं उनका परीक्षण डोपिंग टेस्ट नाडा के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। ये तो था आज का हमारा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बदलाव किए गए हैं ये फिर से पसंद आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।